चारमीनार टारगेट को नया खाली टारगेट काम लिए थे आप लोगों को और चाहते स्कूल को बस मोटरसाइकिल ऑटो पैदल ऐसे आते ना मोटरसाइकिल एक्सीडेंट्स होते रहे था बस एक्सीडेंट्स देखते रहते मालूम होते आप लोगों को ऐसा पेपर में देखते हैं टीवी में देखते हैं और टीवी में देखते हैं अच्छा सियासत पेपर और अच्छा बैठ जाते तो बड़ा शर्मिंदा होते हैं पी के गाड़ी नहीं चलाना ये पूरे आप लोग बोले तो तकरीबन बहुत लोग हेलमेट लगा रहे अपना पास नहीं लगा सब नदी एरिया में नहीं लगा लगाना अच्छा है पाँच मिनट भी सही था रास्ता बोल के ज़्यादा लंबा नहीं लगा था एक मिनट में एक मिनट हो जाता मार लग गया मार लगने में रेडी मिल जाना हेलमेट कंपल्सरी रख देना आप लोग एक घंटा कर देना आप लोगों से पूछ दिला के हम लोग बुला के बाइक वाले को हेलमेट नहीं लेते पूछ देने साथ हेलमेट लगा लो आप लोगों को आपका लाइफ को भरोसा देता हूँ अगर हेलमेट नहीं है गिरिए फिर खुल गए पार्क में मार जाता अगर हेलमेट रखे तो मार लगी तो भी उन बस का घर में कोई माँ देखते रहते बच्चे देखते रहते तो वहाँ बाहर गए नहीं तो भाई बाहर गए कि रात में बोलता पर मिलते सडनली कौन आ जाता है एक्सीडेंट हो गए तो उसको पैसा रिटर्न कर इसलिए अपन थोड़ा ट्रैफिक रूल्स मेंटेन कर लिए तो ट्रैफिक रूल से गए तो अपने को देखिए क्या क्या है मार नहीं लगता हेलमेट लगा लेना रंगा ट्रेनिंग नहीं करना ठीक है कार्य ऐसे अच्छा लोग 400 वाले को भी इमेज हला के लगा देता इसलिए वो रंगा ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसा चला रहे उसको ना मालूम होता रोड पे अपन चलते ट्रैफिक भी जाते रहता बसें जाता मोटरसाइकिल जाता ऑटो जाते साइकिल जाते अपन भी पैदल जाते मगर रूल्स कोई भी फॉलो कहीं को नहीं करते एक्शन नहीं लेते पुलिस वाले चालाना नहीं जाते इसलिए रॉन्ग रूट में आ जाते इमरजेंसी लोग आ रहे थे थोड़ा स्कूल टाइमिंग हो रहे बोल के जल्दी आ जाते स्कूल रेडिंग आ जाते और अगर नुकसान है तो बहुत लॉस होता घर में एक आदमी चले गए तो हमारे वाले नहीं रहते हेलमेट लगा के बाहर जाना बोल के थैंक यू भाई थैंक यू क्या उम्र है आप लोगों की ठीक है कानून के हिसाब से क्या उम्र में गाड़ी चलाना है 18 प्लस अगर आप लोग ये उम्र में अगर बगैर माँ बाप को बोले कि गाड़ी लेके बाहर जाएंगे एक्सीडेंट हो जाएगा अल्लाह ताला ने जो दो पैर दिए उसमें से अगर एक टूट जाए तो अपन क्या हो जाते मजबूर नहीं क्या हो जाते जिंदगी भर के लिए अपन बोझ बन जाते माँ बाप के ऊपर आज के बाद से आप कोई भी बगैर ड्राइव परमिशन के गाड़ी नहीं चलाएंगे अगर आप लोग बाहर मिले तो हम पक्का किस बुक करेंगे आपके ऊपर और आपके पेरेंट्स के ऊपर क्लास वाले एक एक क्लासरूम से 5 लोगों को लेते हाँ गुड ट्रैफिक अवेयरनेस सेंटर है बोल तो मैं टीम का तरफ से एक क्लास से 5 लोगों के लिए क्लास क्लास क्रिकेट क्लास में 5 लोगों को लगे हमारे एक वीक में एक घंटा लगा के वहाँ जाना बोल के थैंक यू भाई थैंक यू
उम्र है आप लोगों की? 11 ठीक है। कानून के हिसाब से क्या उम्र में गाड़ी चलाना है? 18 प्लस। अगर आप लोग ये उम्र में अगर बगैर माँ बाप को बोले कि गाड़ी लेके बाहर जाएंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा, अल्लाह ताला ने दो आँख दो पैर दिए, उसमें से अगर एक टूट जाए तो अपन क्या हो जाते? मजबूर क्या हो जाते जिंदगी भर के लिए, अपन बोझ बन जाते माँ बाप के ऊपर। आज के बाद से आप कोई भी बगैर पेरेंट्स परमिशन के गाड़ी नहीं चलाएंगे। अगर आप लोग बाहर मिले तो हम पक्का किस बुक करेंगे आपके ऊपर और आपके पेरेंट्स के ऊपर कि आप ये उम्र में गाड़ी नहीं चलाना है। 18 प्लस जब आपको लाइसेंस इश्यू होगा, जब आप गाड़ी चलाना है। अगर आप वाली साहब सो रहे या वालदा काम में गाड़ी लेके निकल गए तो गलती आपकी नहीं है, उसकी सजा कौन भुगती है? आपके पेरेंट्स आप भी, और आपको भी पनिशमेंट होगा।